डॉक्टर व रुग्णांतील भीती दूर व्हावी यासाठी रहमान फाउंडेशन तर्फे निपाणी येथे आरोग्य शिबिराचे आयोजन। डॉक्टर रुग्णांतील भीती दूर व्हावी डॉक्टर देवगोंडा इमगोंडावर रहमान फाउंडेशन तर्फे आरोग्य शिबिर। फेब्रुवारी पासून सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। परिणामी रुग्ण डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी घाबरत आहेत, तर डॉक्टर मंडळी उपचार करण्यासाठी पुढे येणे कठीण झाले आहे। सध्या कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला असून नागरिकांनी सोशल डिस्टन्स व प्रशासनाचे नियम पाळणे आवश्यक आहे। यापुढील काळात डॉक्टर आणि रुग्ण यातील भीती दूर होण्याच्या उद्देशाने या आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले आहे। नागरिकांनी संतुलित आहार घेण्यास सह व्यायामावर भर द्यावा असे आवाहन डॉक्टर देवगोंडा इमगोंडवर यांनी केले। बेळगाव येथील रहमान फाउंडेशन आणि येथील जनता क्लिनिकच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार दिनांक 22 रोजी आयोजित मोफत आरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते। हाफिज खलील यांनी स्वागत केले। मौलाना अब्दुल्ला कुन्नूर यांनी रहमान फाउंडेशनच्या कार्याचा आढावा घेऊन प्रत्येकाने कोरोना काळात स्वतः कुटुंबाची काळजी घेतली पाहिजे, सर्वांनी आपापली जबाबदारी ओळखून कार्य केल्यास विविध आजारापासून दूर राहता येणे शक्य असल्याचे सांगितले। नगराध्यक्ष जयवंत भाटले यांनी कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला असला तरी अजूनही प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्स, मास्क व इतर साधनांचा वापर केला पाहिजे। कोरोनापासून दूर राहण्यासाठी स्वच्छता ठेवून प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्याचे आवाहन केले। आयुक्त महावीर बोरण्णवर यांनी कोरोना संसर्ग काळात अनेक रुग्णालये बंद असताना जनता क्लिनिकने सामाजिक भान ठेवून रुग्णसेवा केली आहे। याशिवाय एकता फाउंडेशनच्या योद्ध्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोनाग्रस्त मृतांवर अंत्यसंस्कार करून उल्लेखनीय कार्य केले आहे। अशा संस्थांच्या कामकाजासाठी आपण सदैव सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले। कम देखा है। इससे पहले कोविड में यहाँ के जो लोग डायरेक्टर लोग थे, पहली बार ये नगर पालिका आ गए, साहब हमें इधर कोविड सेंटर खोलना है। जो ऑफिशियल क्या भी तकलीफें आती हैं, आपको हमारे साथ ठहरना है, इतना बोल दिया। उसमें हमारे जुबेर भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये जो कितना भी शुक्रिया अदा करें ये कम है। तो आज के इस दिन ये जो फरिश्ते बैठे हैं, ये फरिश्ते कुछ नेक काम के लिए आए हैं और इनका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। अभी जब माइक दे रहे थे, पता है हमने इस्तेमाल किया सेकेंड वीक ऑफ द मार्च में, कम से कम जमा होना था 80,000 से 1,00,000। तो भारतवर्ष में सब तरफ ये कोविड के बारे में बात हो रही थी, निपानी में नामो निशान नहीं था। हमने 1,00,000 लोगों को इधर ये अल्लाह का जो नेकी का बात है वो बोलने के लिए इधर हमने जमा किया। और बहुत ये हमारे जो अल्लाह के लिए काम करते हैं वॉलेंटियर्स, इनने ये लोगों ने बहुत अच्छा किया। इधर फर्स्ट मीटिंग था मेरे पास, एक गौंडी और कुछ लोग आ गए साहब हमारे को। ये दूसरे दिन ये कलिंगड़ का पीस भी किसी को देखने को नहीं मिला। आप इधर उधर बहुत कार्यक्रम देखते हैं, एक गुटका का चींटी छोड़ो, एक चॉकलेट का चींटी भी नहीं मिला उधर इस्तेमाल में देखने के लिए। ये हमारा नगर पालिका का काम कम है। और ये जो वॉलेंटियर्स आपके 50 लोग हैं, 50-60-100 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और ये भी इधर कोविड सेंटर में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जब ये बातों बातों में बोल दिया एक दूसरे के देखने के लिए। निपानी में सभी दवाखाना बंद थे, एक दवाखाना महावीर आरोग्य चालू था, वो भी बंद करने के लिए ठहर गए। मैंने डीसी साहब और एसी साहब से बात किया, जब ये आवाज हो गया तब एक एक करके दवाखाना खोलने लगे। फिर ऐसे माहौल में ये फरिश्ते काम करते रहे। नगर सेवक जुबेर बागवान यांनी जनता क्लिनिक साठी नगर पालिकेने जागा देण्याची मागणी केली। नगराध्यक्ष भाटले यांनी जागेसाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले। शिबिरात डॉक्टर सलीम मुजावर, डॉक्टर गुलजार फातिमा, डॉक्टर नसीर आवटे, डॉक्टर आयुष परककुटे, डॉक्टर झेबा लष्करवाले, विनोद झियाउद्दीन, आदम करंजी यांच्यासह विविध डॉक्टरांनी त्वचारोग, मधुमेह, अस्थिरोग, हृदयरोग अशा 3 आजारापेक्षा अधिक रुग्णांची तपासणी करून औषधोपचार केले। शिवाय रक्त लघवी तपासणी ही मोफत करून दिली।
यावेळी नगरसेवक सद्दाम नगरजी, जुबेर शादो, गफार बंडुलाल, रिजवान जमादार, वाशिम देसाई, जुबेर हुक्केरी, उमर काझी, आदम करनाजी, आशिफ महात, शौकत जमादार, मुबारक चावलवाले, मुबारक सौदागर, मोहम्मद जुबेर यांच्यासह रमान फाउंडेशन आणि जनता क्लिनिकचे पदाधिकारी उपस्थित होते. रिजवान जमादार यांनी आभार मानले.